वेलकम ऑल मेडियो ऑनलाइन टू इंडिया नंबर वन ऑनलाइन कोचिंग इट डॉट कॉम और मैं आपका फेवरेट जीएसएफ इससे आपकी सेवा में हाजिर हूँ सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार आज का सेशन जो है बेटा हमारा वी आर स्टार्टिंग न्यू इन ऑर्गेनिक चैप्टर दैट इज मेटलर्जी है मैंने आपको जो पहला टॉपिक इन ऑर्गेनिक का पढ़ाया था बेटा दैट वॉज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और आई होप उसमें तो आपको जमा जब मजा आ गया होगा बेटा ना वो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा हमें पता है कि गारंटीड है कि क्वेश्चन आना ही आना है मेटेलर्जी से भी क्वेश्चन आना है बेटा इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेटेलर्जी से क्वेश्चन नहीं आएगा ठीक है ना बट उसमें समझने की चीज़ें ज़्यादा थी बेटा और इसमें थोड़ा सा रेक्टाफिकेशन वाली चीज़ें हाँ एक बार हमें कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होना चाहिए कि क्या होता है मेटेलर्जी में ठीक है ना एज द नेम सजेस्ट कि मेटेलर्जी में हमें है ना और आई होप आपको पता भी होगा इसमें हमें क्या करना होता है बेटा मेटल को निकालना होता है है ना एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर इन प्रॉफिटेबल कन्वीनियंट इकोनॉमिक वैनर इज़ नॉन इसके आपका मेटलर्जी क्योंकि हमें पता है बेटा हमारी तो पूरी ज़िंदगी मेटल से सराउंडेड है ठीक ना तो हमें एल्यूमिनियम मेटल की खूब ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हमें आयरन मेटल हुआ ठीक है ना कॉपर हुआ सोडियम हुआ मैग्नीशियम हुआ उनका एक्सट्रैक्शन कहलाता है मेटलर्जी ठीक है ना तो इस वजह से मैं आपको कॉन्सेप्ट तो पूरे समझाऊँगा बेटा बट सेंस ये टाइम सेवर सीरीज़ है मैंने सोचा इसको हम लोग स्लाइड से समझेंगे बेटा और मैं इसके आपको पी फॉर्मेट में नोट्स भी अटैच करवा दूंगा तो आप उसकी भी चिंता ना करें ताकि आपका वो टाइम भी सेव हो और आप कम से कम इस चैप्टर को बेटा है ना ठीक है जैसे आज का सेशन जो है फर्स्ट सेशन हमारा ये मैं आपको टू ठीक है ना आप सभी को एक रफ आइडिया होगा मैं पूरा चैप्टर चालू तो कर रहा हूँ बेटा ठीक है ना कि हमारे पास मिनरल्स होती हैं ओर्स होती हैं एवरी मिनरल इज एवरी ओर इज ए मिनरल बट एवरी मिनरल इज नॉट एन ओर है, है। ना? A, mineral, ना ये हम लोग बोलते ना क्या उल्टा तो नहीं बोल दिया एवरी ओर इज ए मिनरल बट एवरी मिनरल इज़ नॉट एन और है ना तो इस तरह से जो हम स्टेटमेंट बोलते हैं अभी भी कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे तो उसमें क्या होता है बेटा तो है ना जिस ओर तो सभी हैं बेटा जनरल है जैसे एल्यूमिनियम की बात करें तो उसकी ओर आपकी बॉक्साइड भी है और क्ले भी है बट हम लोग हमेशा उसको निकालते हैं क्या बेटा किससे बॉक्साइड से, से इसलिए वो उसकी क्या कहलाएगी बेटा मिनरल मिनरल मतलब जिससे हम लोग मेटल को अपटेन कर रहे ठीक है ना वो मिनरल्स जब भी हम जो अर्थ क्रस्ट में पाई जाती हैं तो उनमें हमें पता है बेटा अर्थ क्रस्ट में खूब सारी एलुविलियल सिलिसियस इम्प्योरिटीज़ होती हैं जिन्हें हम गैंग और मैट्रिक्स कहते हैं तो हमारा जो जनरल काम होता है बेटा सबसे पहले बड़े बड़े लफ्स मिलते हैं एक रफ आइडिया तो मैं बता दूँ आपको एक ओवर यू मिनट में कि आपको पता तो होगा बेटा जिनको नहीं पता है उनको मैं दे दूँ कि हम अगले जो चार पांच सेशन है बस उनमें यही काम करना है ठीक है ना मैंने चार सेशन इनके चार स्लाइड्स में इसको डिवाइड कर दिया मतलब चार अलग अलग सेशन वाइज और फिर हम लास्ट सेशन रख लेंगे बेटा प्रैक्टिस सेशन का उसमें इकट्ठे ही ठीक है ना मैं आपसे फिफ्टी फिफ्टी क्वेश्चन एक साथ ही डिस्कस कर लूंगा क्योंकि मैं बार बार आपसे यही बोलता हूँ कि चाहे ठीक है ना कोई भी टॉपिक हो इनऑर्गेनिक का अगर आपने थ्योरी सुन ली तो उसके बाद उस चैप्टर में कोई टाइम नहीं लगना ठीक है ना तो फर्स्ट सेशन जो आज का सेशन है बेटा जो हमारी स्टेप्स होती जनरल स्टेप्स वो आपको पता ही होगी सबसे पहले जो हमें और नेचर से मिल रही है माइंस करके हमने निकाली वो बड़े बड़े लव्स में मिलती है तो सबसे पहले क्रशिंग ग्राइंडिंग पल्वराइजेशन करते हैं बेटा उसे पाउडर फॉर्म में लाया जाता है देन सेकेंड हम लोग उसकी ड्रेसिंग कंसंट्रेशन बेनिफिकेशन करते हैं उसमें से इम्प्योरिटीज़ को हटाया जाता है और इंप्योरिटीज़ को हटाने की हमारे पास खूब सारी मेथड्स होती हैं बेटा केमिकल मेथड्स भी होती हैं फिजिकल मेथड्स भी होती हैं फिजिकल मेथड में हाइड्रोलिक वॉशिंग होती है आपका ग्रेविटी सेपरेशन मैथड होती है उसके अलावा मैग्नेटिक सेपरेशन मैथड होती है आपने नाम सभी ने सुन रखे होंगे बेटा ठीक है ना उसके अलावा आपका कौन सी अगर फ्लोट फ्लोटेशन प्रोसेस होती है और अगर हम लोग केमिकल मेथड्स की बात करें बेटा तो लीचिंग होती है जिसमें हमें लीचेंट और एंटी मिला के सब चीज़ें हम समझेंगे बेटा मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ उससे हमें कंसेंट्रेटेड ओर मिली बेटा है ना अब इस कंसनट्रेटेड ओर को हम लोग कैल्सिनेशन और रोस्टिंग करके इसको बदल देते हैं इसके किस में बेटा ऑक्साइड में फिर उस ऑक्साइड का रिडक्शन करके हम लोग मेटल निकालते हैं बेटा और फाइनली लास्ट स्टेप होती है वो जो मेटल मिली है क्रूड मेटल वो इम्प्योर फॉर्म में होती है उसमें इंप्योरिटीज़ हैं अभी काफ़ी सारी उसका प्योरीफिकेशन करते हैं ठीक है अब प्योरीफिकेशन की हमारे पास रिडक्शन की भी हमारे पास खूब सारी मैथड्स होती हैं बेटा आपको बताइए होगा कार्बन रिडक्शन कार्बन मोनो रिडक्शन होता है हाइड्रोजन रिडक्शन सोडियम से रिडक्शन करवा सकते हैं एल्यूमिनियम से रिडक्शन करवा सकते हैं हम लोग ठीक है ना तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करवा सकते हैं और इसी तरह से अगर हम प्योरीफिकेशन की बात करें तो वी अगेन हैव सो मेनी तो तो मैथड्स फॉर प्योरीफिकेशन ऑल्सो सब मैं आपको आज के सेशन में एक ओवर यू जैसे ऑलरेडी मैंने दो मिनट में दे दिया है तो ये सब चीज़ें बेटा अब लिख के हम टाइम कोटी ना करें हाँ अब शॉर्ट नोट्स के तौर पर जब आप एक बार पूरा चैप्टर कर लें पूरी तरह से सब स्लाइड्स को समझ लें तो एक शॉर्ट नोट्स के तौर पर तीन चार पेज जरूर खुद से लिखिएगा ठीक है कि अच्छा ये 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 चीजें मुझे पता होना चाहिए तीन चार पे आपका टिपिकल है वो ट्रिपल ए वाली है ना क्योंकि अभी मैंने चैप्टर चालू नहीं करा बट इंट्रोडक्शन में यहीं से देते ना ट्रिपल ए वाली आपको पता ही है ना कार्ड्स के गेम में तीन पत्ती खेलते हैं सबसे बड़े पत्ते होते हैं तो ट्रिपल ए का मतलब एल्यूमिनियम सिल्वर और गोल्ड थोड़ी सी इन्हीं की रिएक्शंस टिपिकल हैं बेटा ठीक है ना क्योंकि एल्यूमिनियम में आपको पता होगा हॉल्स प्रोसेस बेयर्स प्रोसेस सर्पेक्स प्रोसेस ए जी ए यू दोनों के लिए आपका मैक फॉरेस्ट साइनेट प्रोसेस और भर भर के क्वेश्चन आए बेटा ये तीनों ही मेटल हमारे रियल लाइफ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एल्युमिनियम आपको पता ही है बेटा जितने भी पोल्स हैं उनमें जो करंट का कंडक्शन हो रहा है जो वायर्स हैं वो एलुमिनियम की हैं बेटा और गोल्ड और सिल्वर के बिना तो बेटा जिंदगी अधूरी है है ना मैंने भी देख लीजिए थोड़ा बहुत तो गोल्ड पहना ही है हाथ में आपके पास भी कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा गोल्ड का बेटा और अभी तो हमारा दिवाली फेस्टिवल सीजन आ रहा है ठीक है ना टुडे इज़ फोर्थ ऑफ नवंबर जो मैं आपका शूट कर रहा हूँ ठीक है ना अकॉर्डिंग टू डेट फोर्थ ऑफ नवंबर से चैप्टर स्टार्ट होना था माइट भी अपलोड आपका कल हो जाएगा बस इतना ही हो सकता है बेटा ठीक है ना और कोऑर्डिनेशन का बस एक प्रैक्टिस सेशन मैंने जरूर बोला था आपसे बाकी है बेटा बाकी कोऑर्डिनेशन भी, भी मेरी तरफ से ख़त्म और इतना तो आप भी अलाउ करेंगे बेटा दो चार दिन तो एक दो दिन तो एक आधा टर्न आगे पीछे हो सकता है ठीक है ना तो गोल्ड सिल्वर के बिना तो हमारी ज़िंदगी अधूरी तो इन्हीं में थोड़ी सी रिएक्शंस टिपिकल आएंगे बेटा अदरवाइज तो इस चैप्टर की रिएक्शंस भी काफ़ी ईजी है हाँ टर्म्स इतनी ज़्यादा आ जाती हैं बेटा कि अगर जिसने ढंग से याद नहीं करा बेटा इवन मैं अपने लिए बोलूँ मुझे कोई शर्म नहीं आती बेटा आपको बताने में वेन आई वॉज स्टूडेंट तो मुझे थोड़ी सी जो चिड़ थी जिस टॉपिक से दैट वॉज मेटल ठीक ना बच्चों को ब्लॉक से चेड़ होती है मुझे थोड़ी सी चेड़ मेटेलर्जी से थी बेटा ये भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि ना मुझे लग इसमें काफी टर्म्स में क्या होता था कन्फ्यूजन हो जाता मतलब कन्फ्यूजन मतलब भूल जाता था ना स्मेल्टिंग आती है हैलिंगम डाइग्राम आता है कैल्सिनेशन आता है रोस्टिंग आता है बेसेमराइजेशन आता है पोलिंग फोलिंग फलाना ढिमका बाकी अब मजबूरी है बेटा याद तो एक एक चीज होनी चाहिए अगर हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ठीक है न और अंदर जाके ये तो पूरी इंजीनियरिंग की एक ब्रांच ही है बेटा जो मैं अभी आपको मात्र पाँच छः घंटे में पढ़ाऊंगा ये अंदर चार साल तक एक ब्रांच है बेटा तो आप खुद फील कर सकते हो कि इसके बिना तो हमारी ज़िंदगी अधूरी पता नहीं कितने है ना कितने मेटोलॉजिकल इंजीनियर्स घूम रहे होंगे बेटा जिनसे हमारी राहें आसान हैं और हम काम कर पाए ठीक है चलिए तो एक ओवरव्यू मैंने दे दिया है बेटा लेट एस स्टार्ट अवर सेशन सबसे पहले आपका है ना इंट्रोडक्शन जो सब काम की चीजें मैंने आपसे बोली थी वो समझा दूँ मेटल फाउंड इन अर्थ क्रस्ट इन द फॉर्म ऑफ क्या आपका मिनरल ये तो आपको पता ही है ना अबेंडेंस ऑफ एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट सबसे ज्यादा ऑक्सीजन सिलीकॉन और फिर क्या आपका एल्यूमिनियम ठीक है और इज द मिनरल फॉर्म फ्रॉम विच द मेटल कैन बी इकोनॉमिकली एंड कन्वीनियंटली क्या आपका एक्सट्रैक्टेड ठीक है ना और इज द मिनरल फॉर्म ठीक कमर्शियली वैल्यू लेस मटेरियल फाउंड इन और इज कॉल्ड गैंग और मैट्रिक्स जो हमारे काम के नहीं हैं सब आपको पता है बेटा इसलिए मैं कही रहा हूँ कि ठीक है अब इसको मैं नोट्स में लिखाऊँ या ऐसे लिख के दे दूँ ज़्यादा बेटर है ये लिखना एवरी मिनरल इज़ नॉट एन और बट एवरी ओर इज़ अ क्या आपका मिनरल ठीक है ना आपको मैंने अभी समझाया भी था इस स्टेटमेंट का लॉजिक जैसे एल्युमिनियम की बात करें बेटा ना तो एल्युमिनियम के केस में आपका बॉक्साइड भी है क्ले भी है बट उसकी जो जिससे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो एवरी मिनरल इज नॉट एन और बट एवरी ओर इज़ अ क्या आपका मिनरल तो एल्यूमिनियम हुआ एल्यूमिनियम की जो दोनों में बात करी बेटा क्ले और माइक का ठीक है ना सॉरी माइक क्ले और बॉक्साइड तो बॉक्स दोनों ही उसकी क्या है बेटा दोनों ही उसकी क्या है बेटा दोनों ही उसकी क्या है बेटा और है बट उनमें से हम हमेशा निकाल किससे रहें बेटा बॉक्साइड से तो वो उसकी क्या कहलाएगी बेटा मिनटरल जैसे आयरन की बात करें बेटा हमसे पूछ सकता है आयरन पायराइट कॉपर पायराइट नहीं बोल रहा हूँ बेटा ना कॉपर पायराइट इज सी यू एफ ई एस टू मैं आयरन पायरेट की बात करूँ है ना तो थोड़ा थोड़ा जहाँ पे समझाने वाली चीज़ें होंगी वह तो बताते चलूँगा हमसे बोल सकता है जैसे आप सभी को अगर याद हो पुरानी चीज़ें तो हम आयरन को हमेशा किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं बेटा बोलो मैग्नेटाइट हेमेटाइट एफ ई टू और थ्री ठीक है ना मैग्नेटाइट है हेमेटाइट है इनसे एक्सट्रैक्ट करते हैं बेटा ठीक है तो एफ़ी एस टू से क्यों नहीं एक्सट्रैक्ट करते ये अगर रीज़न पूछे तो एफ ई एस टू से जब एक्सट्रैक्ट करना होगा बेटा जब आप उसका ऑक्सीडेशन कराओगे ठीक है ना तो यहाँ से आपको एफ ई टू ओ थ्री और प्लस साथ में एस ओ टू मिलता है ठीक है तो हमसे पूछ सकता है क्वेश्चन के फॉर्म में कि हम आयरन पैरेट से क्यों नहीं निकालते तो बेटा आपको अभी हमने बोला है ऊपर ही लिखा हुआ है बेटा और इज द मिनरल फॉर्म फ्राम विच द मेटल कैन बी इकोनॉमिकली एंड कन्वीनियंटली एक्सटेप्ट ऐसी चीज़ें थ्योरिटिकल क्वेश्चन मतलब ट्रू फॉल्स के फॉर्म में पूछ सकता है या अभी आप ट्रू फॉल्स बोलोगे सर हमारे इसमें कैसे पूछेगा हम तो प्रॉपरली जेई मेन्ज की तैयारी कर रहे हैं अभी तो ट्रूफॉल्स के फॉर्म में भले ना पूछेगा बेटा बट वो आपसे है न सिंगल करेक्ट ऑप्शन के फॉर्म में तो पूछ ही सकता है ना कि आयरन कैन नॉट बी एक्सट्रेक्टेड फ्रॉम एफ ई एस टू और नीचे वो उसके क्या करे बेटा रीजनस लिख दे ठीक है ना और सिंगल करेक्ट में ही पूछे ऑप्शन ए में भी सही रीजन डाल दे ऑप्शन बी में भी ऑप्शन सी में भी जैसे ऑप्शन ए में वो डाल दे कि है ना एक एड देखिए हम आयरन को हमेशा उसकी ओर हेमेटाइट से निकालते हैं एफ ई टू थ्री से तो पहली चीज़ तो बेटा एक तो आपकी एक्स्ट्रा स्टेप बढ़ चुकी है ठीक ना एक एक्स्ट्रा स्टेप आप हेमेटाइट्स जब आपके पास अवेलेबल है नेचर में तो आप आयरन पायरेट से ज़बरदस्ती Fe2O3 को बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं हमें तो स्टेप्स भी बचाना है बेटा समय भी बचाना है पैसा भी बचाना है मेटलर्जी का सबसे इंपॉर्टेंट काम ही है ठीक है हमें सब चीज़ें बचानी है तो इसलिए एक तो आपने एक्स्ट्रा स्टेप डाल दी यहाँ पर सबसे पहली दिक्कत तो गड़बड़ आपने ये कर दी बेटा दूसरी कहानी क्या करी आपने दूसरी कहानी की एफ टू आयरन पैरेट्स में जो एफ़ .E. का परसेंटेज होता है वो वो काफ़ी कम होता है तो एक तो आपने वैसे ही अपना टाइम खोटी करा है खर्चा बढ़ा दिया है ऊपर से जो रिकवरी हो रही है बेटा एफ की वो भी काफ़ी कम होती है ना आपको पता ही होगा इसे फूल्स गोल्ड बोला जाता है एफ ई को है ना फूल्स गोल्ड क्यों बोला जाता है मूर्खों का सोना क्योंकि जिस माइन में आयरन पैरेट्स पहली बार मिला था बेटा वहाँ पे क्या हुआ वर्कर्स काम कर रहे थे और उन्हें एकदम से आयरन पैरेट्स मिला हैविंग द अपीरेंस ऑफ गोल्ड उन्हें लगा सोना मिल गया और सोना मिल गया तो वो अपना मस्त खूब सारा भर भर के बोरियों में भर के ले गए और मालिक को बोल दिया अब कल से हम काम आने वाले नहीं हमको तो इतना ज़्यादा सोना मिल गया बाद में उन्हें असलियत पता पड़ी कि ये तो लोहा है ठीक है ना सोना नहीं लोहा है तो ठीक है ना मालिक ने भी मजे लिए कि बेटा अब तो घर पे आराम ही करो तो तब से इसका नाम फुल्स गोल्ड पड़ा हुआ है तो ये हमारे लिए ठीक है ना गैंग और मैट्रिक्स जैसे हमें ध्यान रखना ज़रूरी है बेटा ओर की डेफिनेशन हमें ध्यान रखना जरूरी है ऊपर वाले दो पॉइंट्स थे ऐसे ही है ना ये हमें पता ही होगा कि एवरी मिनरल इज़ नॉट एन ओर बट एवरी ओर इज अ मिनरल इसका रीजन मैंने एल्यूमिनियम और एटलीस्ट आयरन दो एग्जाम्पल्स ध्यान रखे बेटा इनसॉलिबल कम्पाउंडस आर फाउंड इन अर्थक्रस्ट जो सोलिबल हो जाएंगे बेटा वो तो क्या होंगे बह के पानी में बह के नदियाँ तालाब रिवर में चले जाएंगे तो इन सोलिबल कंपाउंड ही आपको अर्थक्रस्ट में मिलने वाले हैं इसीलिए आपको पता होगा नाइट्रेट्स की ओर काफ़ी रेयर होती है बेटा नाइट्रेट ओर डज नॉट फाउंड बिकॉज ऑल नाइट्रेट्स आर वाटर सॉलिबल ठीक है ना यही प्रॉपर नोट्स हैं बेटा जो मैं बाकायदा हैंड रिटन नोट्स लिखवाता हूँ ना बच्चों को बोल के वो यही नोट्स हैं मेरे उनको मैंने इन द फॉर्म ऑफ स्लाइड पहले अपने ही नोट्स को ले लिया है ठीक है ग्रुप सिक्सटीन आर एलिमेंट्स आर नोन एज चेल्कोजन चेल्कोजन का मतलब ही होता है बेटा फॉर्मिंग बिकॉज मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन कंटेनिंग कम्पाउंड एंड सल्फाइड्स आर वाटर के आपका इनसॉल्यूबल ठीक है ना जो आपको पता भी होगा पी का ब्लैक कलर का प्रेसिपरेट सी यू एस का आपका ब्लैक कलर का प्रेसिपरेट सी डी एस का येलो खूब सारे बेटा जो आगे हम सॉल्ट एनालिसिस में विच इज द पार्ट ऑफ जेई एडवांस नॉट ऑफ द जेई मेज तब हम देखेंगे बेटा ठीक है ना हाँ आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं दिया जाएगा नहीं बेटा एन बुक में जितने ब्लॉक्स में इंफॉर्मेशन है उतनी तो मैं आपको बताऊंगा जेई में इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है न आपने अभी तक दिस इज माय फोर्थ चैप्टर आप देख सकते हो काइनेटिक्स मैंने पूरा अप टू एडवांस लेवल ही डील करा है आयनिक भी पूरा वैसे ही डील करा है बेटा कॉर्डिनेशन में तो आपको खूब मजे आ गए होंगे है ना उसकी आइसो का तो जो मैंने तरीका बताया है वो बिल्कुल यूनिक था ये भी उसी एडवांस लेवल तक की है बेटा बस ये हैंड रिटर्न फॉर्म में है बट अभी से मैं बता दे रहा हूँ कि ब्लॉक्स में मैं सीधे सीधे ना फिजिकल के चैप्टर तो हम पूरे कर लेंगे बेटा ब्लॉक्स में मैं कोई गंदगी नहीं मचाऊँगा जो एनसीआर बुक में रिटर्न है मैं केवल वही समझाऊंगा आपको क्योंकि अननेसेसरली बेटा इतना समय आपके पास भी नहीं है आपके पास रजिस्टर भरे हुए पोते पिछले साल के भी होंगे जिन्हें आप नहीं सॉल्व कर पाए थे नहीं याद कर पाए थे इसी वजह से आप इस कोर्स में बैठे हुए हैं बेटा डोंट टेक इट अदरवाइज मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा बेटा एक रियलिटी बता रहा हूँ कि लास्ट ईयर आपने एक प्लानिंग से पढ़ाई नहीं करी थी बेटा अननेसेसरी फालतू की चीज़ों को टीचरों ने जो जो बताया आपने पढ़ लिया था अब एक प्लानिंग होना जरूरी है और प्लानिंग यही है यह बेटा कि जेई मेंस का पेपर इतना इजी आता है कि हम अननेसेसरी फालतू चीजों में भटक के उसे और टिपिकल बना देते हैं ठीक है चलिए हैवी डी ब्लॉक मेटल्स जनरली फॉर्म सल्फाइड क्यों है ना बिकॉज रीजन भी है पोलराइजिंग पावर ऑफ हैवी डी ब्लॉक मेटल्स इज हाई जो हम फेजान स्टूल बॉन्डिंग में जो आप पढ़ चुके बेटा पी ने पढ़ाया था आपको इज़ हाई एंड पोलराइजेबिलिटी ऑफ़ सल्फाइड इज सल्फाइड बड़ा हो गया बेटा और हमने बात करी थी कि डी ब्लॉक का पोलराइजेशन पावर डी ब्लॉक के कैटाइंस का पोलराइजेशन पावर हाई होता है तो उस सेंस में यह नाइन्थ पॉइंट है बात ठीक है आप तो आप देखो अभी मैंने जो नाम लिया था ना पी लिया सी लिया सी लिया तो ये डी ब्लॉक पी ब्लॉक के कॉम्बिनेशन वाले हैं क्योंकि इनका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है और सल्फाइड बड़ा है तो उसका पोलराइजेशन ज़्यादा होगा चलिए अब टाइप्स ऑफ ओर बेटा तो वी ऑलरेडी नो हमारे पास दो तरफ की दो तरह की ओर होती है नेटिव ओर्स और उन सी कंबाइंड ओर नेटिव ओर्स मतलब नेचर में जो फ्री फॉर्म में मिलती है बेटा और फ्री फॉर्म में मिलने का मतलब जिनकी रिएक्ट जिनकी बॉन्ड बनाने की या जिनकी कंपाउंड बनाने की बॉन्ड तो गलत वर्ड बोल रहे हैं हम लोग बॉन्ड तो खैर बनता ही बेटा बट कॉन्सेप्चुअली कंपाउंड बोलना चाहिए जिनकी कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी काफ़ी कम होती है और कंबाइंड फॉर्म में बेटा हमारे पास बाइनरी ओरस भी हो सकती है ठीक न और टर्नरी ओर्स भी हो सकती है इस टाइप से तो नेटिव ओर्स मतलब दे कंटेन मेटल इन फ्री स्टेट एंड आर फाउंड अलॉन्ग विध रॉक और एलुबिलियल इम्प्योरिटीज लाइक क्ले सैंड है ना ये तो सब में मिलना ही है बेटा अगर आपने अर्थ क्रश से कहीं से भी बेटा ये मेरा रूम है जहाँ से मैं आपको रिकॉर्डिंग करके देता हूँ शूट अगर मैं इस रूम में बेटा दिन भर दरवाजा बंद भी रखता हूँ बट जब अगले दिन सुबह देखता हूँ तो कुछ ना कुछ तो डस्ट पार्टिकल्स आ ही जाते हैं बेटा है ना साफ़ सफाई तो करनी पड़ती है मुझे इस रूम की भी बोर्ड पे भी थोड़ी थोड़ी डस्ट नजर आ जाती है मुझे कैमरे पर भी तो ये तो सब जगह बेटा इनको तो आप कहीं रोक ही नहीं सकते हो और अगर ऐसा ना हो तो फिर बेटा है ना घरों में हमें कल बर्तन वाली बाई लगा दे झंझट खत्म झाड़ू पोछा करने की कभी ज़रूरत ही ना पड़े तो वो हमें पता ही है क्यों करना पड़ता है ठीक है तो क्ले और सेंट जो है बेटा ये हमेशा आपको हर जगह मिलने वाले ही है इसीलिए जब हम आगे जितना जितना जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बेटा है ना सबसे ज़्यादा हमें और का कंसनट्रेशन या बेनिफिशन पर ही ध्यान देना पड़ता है और कई मेटल्स की मेटलर्जी में हमें इन स्टेप्स को बार बार रिवाइज करना पड़ता है बेटा है ना इन इम्प्योरिटीज़ को बार बार निकालना पड़ता है ठीक है तो सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम और मर्क्यूरी इसमें भी अगर हम बात करें बेटा तो गोल्ड और प्लेटिनम इनके तो कोई भी आपको कंपाउंड रेयरली मिलते हैं ठीक है थीके ना ठीक है ना सिल्वर के तब भी कुछ कंपाउंड्स हमें नज़र आ जाते हैं मरकरी के भी कुछ आते हैं बट ओवरऑल ये नोबल मेटल ही है और मैं आगे की भी चीज़ें इस उम्मीद से बताता चलूँ आपको कि आपको पुराना कुछ ना कुछ पता होगा तो आगे की चीज़ें ये बताना चाह रहा था बेटा कि जब हम एलिंगम डायग्राम देखते हैं तो उसमें सबसे टॉप पर है ना गोल्ड प्लेटिनम इनकी लाइन तो डेल्टा जी इक्वल टू ज़ीरो वाली लाइन से ऊपर ही चलती है उनके जस्ट नीचे सिल्वर मर्क्यूरी ही आते हैं क्योंकि इनके ऑक्साइड थर्मली क्या है बेटा अनस्टेबल इनकी ऑक्सीजन के साथ भी जुड़ने की टेंडेंसी काफ़ी कम है और इसका प्रूफ भी बता दू मैं बेटा आपको कि ए और एच इनका हीटिंग इफेक्ट नॉर्मली कार्बोनेट का हीटिंग इफेक्ट हम क्या बोलते हैं बेटा क्या बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट कि सभी कार्बोनेट्स गर्म करने पर हम ऑक्साइड और सी टू देते हैं सी ओ सी ओ थ्री को हीटअप करा आपने सी ओ प्लस सी ओ टू बट यहाँ आपको पता होगा इन दोनों को जब हम हीटअप करते हैं बेटा तो टू ए जी प्लस सी ओ टू प्लस हाफ ओ टू जेई में पता नहीं कितनी बार पूछा गया है आगे भी पूछेगा बेटा है ना भले वो मोल कॉन्सेप्ट में पूछ ले कि आपको इन्फॉर्मेशन है कि नहीं वो आपको इसका वेट देकर पूछ लेगा है ना इसका वेट देखकर पूछ लेगा कि इतने ग्राम ए को गर्म करने पर कैलकुलेट द वेट ऑफ सॉलिड सॉलिड रेसिड्यू लेफ्ट एट द एंड ऑफ रिएक्शन जो हम करवाते भी हैं शायद आपने मोल में करा भी होगा तो सॉलिड रेसिड्यू में केवल सिल्वर बाकी है बेटा क्योंकि सी भी गैस है एस्केप हो जाएगी ओ भी गैस है एस्केप हो जाएगी ठीक है इसी तरह से एच जी इसको भी गर्म करोगे ना तो ये आपका एच जी प्लस सी ओ टू प्लस हाफ ओ टू तो हम मेटलर्जी पढ़ रहे हैं बेटा बट हम इनऑर्गेनिक की जनरल जहां जहां से चीजें लिंक करके याद रखने में हमें आसानी हो है ना उन सब चीजों को भी मैं साथ साथ आपको बताते ताकि आपको याद रखने में चीजों को आसानी हो बेटा ठीक है चलिए आधे बेटा ऑक्सीजन कंटेनिंग ओर्स द ओर दिसर ऑक्साइड्स और ठीक है ना इसी को मैंने बाइनरी टाइप का बोला था बेटा और ऑक्सीसोल्ड मतलब जिसमें बाइनरी मतलब पॉली टाइप्स का बोलते हैं क्योंकि एक से ज़्यादा हो जाएंगे है ना आप ऑक्सीसाइड्स में कार्बोनेट आ सकता है फॉस्फेट आ सकता है सल्फेट आ सकता है सिलिकेट्स आ सकता है कुछ कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ओरस जो हैं बेटा ऐसे तो आप देखोगे ना एन की बात नहीं करो कोई दूसरी बुक हो तो भर भर के वो तो है ना एक पेज में पूरा ओरस के नाम भर देते हैं क्योंकि उन्हें तो याद करना नहीं उन्हें तो केवल बुक की थोड़ी सी क्या है मोटाई बढ़ानी है बेटा ठीक है ना कि और देखो इस बुक में इतना ज़्यादा कंटेंट दिया है याद तो आपको करना है ना बेटा तो मैंने कहा उन काम की इंपॉर्टेंट डोज़ को रखा है जो याद रखना जरूरी है ऑक्साइड डोज़ में हेमेटाइड कंपलसरी है बेटा याद रखना है एफ टू बॉक्साइड टू ओ थ्री डॉट है ना आप चाहो तो रोटाइल टी भी लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो है ना वहीं जो भी आपके नोट्स पी फॉर्मेट में दिए हैं अगर आपने प्रिंट आउट ले लिया है ना पायरोजोसाइड का भी पूछ ले तो एम ये भी हमें पता होना चाहिए ठीक है ना कि पूछ ले तो सी तो इस तरह से दो तीन और लिख सकते हो बेटा कार्बोनेट ओरस में लाइम स्टोन सी सबको पता है डोलामाइट है ना सी एस सी ओ थ्री डॉट एबनी सी ओ थ्री कैला है ना जेड एन सी ओ थ्री ठीक है सल्फेट ओरस में एप्सम एम जी एस ओ फो डॉट सेवन एस टू सबको पता होगा जिप्सम सी एस ओ फॉर डू टू एस टू एंग्लेसाइट पी बी एस ओ फॉर फॉस्फेट ओर्स उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है बेटा तब भी मैंने है ना ये दोनों ओरस पूछी जा चुकी हैं इसलिए लिखा है हाइड्रोक्सी एपिटाइट क्योंकि नाम रखने में बच्चा ना नाम याद रखने में ये अपनी बात बताऊँ बेटा तो मुझे ही कन्फ्यूजन डर लगता था इनके नामों से बट याद रखना जरूरी है पूछ सकता है और क्लोरोपेटाइट दोनों में ही कैल्शियम फॉस्फेट है बेटा एक में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसलिए नाम में हाइड्रोक्सी वर्ड आ रहा है देखिए एपेटाइट है ना इसलिए मैं कह रहा हूँ तो मैं सब चीज आपको बेटा बट एक लॉजिकल वे में और इधर आपका क्लोरो आ रहा है तो कैल्शियम का क्लोराइड मतलब दोनों में हाइड्रोक्साइड तो है ही ठीक है ना कैल्शियम फॉस्फेट तो है ही दोनों में ठीक है ना और दोनों में कैल्शियम फॉस्फेट के तीन तीन मोल है बेटा ठीक है ना और साथ में है सी के आपका ऊपर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है नीचे कैल्शियम का क्या है बेटा क्लोराइड है आ रही मेरी बात समझ में ठीक है इस तरीके से हो जाएगा चलिए है ना सिलिकेट होस तो ये तो अब हम सिलिकेट्स में पढ़ते ही बेटा जो इन बुक में गिवन भी है इसलिए याद रखना जरूरी है एस और कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट नाम से ये कैल्शियम भी आ गया मैग्नीशियम भी आ गया है ना टॉल सभी यूज करते हैं बेटा घरों में ठीक है ना तो एम जी थ्री एस आई फोर ओ टेन मतलब फॉर्मूले तो देखो आपको याद रखना है मैं लिखूंगा अगर मैं नोट्स लिखा था तब भी मैं तो केल बोर्ड पे लिखता कि ये याद रखना है आपको याद रखना सल्फाइड और दिस और कंसिस्ट ऑफ सल्फाइड्स ऑफ मेटल आयरन पायरेट अभी बोला सी यू एफ ई एस टू गैलेना पी बी एस जिंक जेड जैन, ब्लेंड जेड एन एस छबार एच जी एस थी ना अब इसमें जैसे कॉपर पायरेट्स नहीं लिखा बेटा वो जरूर लिखना सी यू एफ ई एस टू सबसे इंपॉर्टेंट है हेलाइडोर्स रिलेटिवली कम इंपॉर्टेंट है बट दो चार तब भी नाम लिखें एलाइट्स ऑफ द मेटल होगा हॉर्न सिल्वर ए जी सी एल कार्नेलाइट ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा के सी एल डॉट एम जी सी एल टू डॉट सिक्स एच टू फ्लोर्स फॉर सी एफ टू ठीक ना अब हमें जनरल स्टेप्स की बात करनी बेटा द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रेक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर इन प्रॉफिटेबल मैनर इस कॉल्ड के आपका मेटलर्जी हम कौन कौन से स्टेप को हम लोग फॉलो करवा रहे हैं बेटा उस पर्टिकुलर ओर से मेटल को ऑप्टेन करने के लिए उसको हम लोग बुलाते हैं क्या बेटा मेटल ठीक है ना आप कौन सी स्टेप्स फॉलो करेंगे बेटा ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मेटल नेचर ऑफ ओर एज वेल एज नेचर ऑफ क्या आपका इम्प्योरिटीज इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करने वाला है क्या क्या बोला मैंने नेचर ऑफ ओर के ऊपर भी नेचर ऑफ मेटल के ऊपर भी नेचर ऑफ इंप्योरिटीज के ऊपर भी बट कुछ कॉमन स्टेप्स जो होती है बेटा है ना अगले पेज में हमारा उस पर आ रहे हैं जनरली मेटल्स आर फाउंड इन कम्बाइंड स्टेट इन कंबाइंड स्टेट पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन द मेटल ठीक है ना ऑब्वियसली कोई भी देख लो आप सब में पॉजिटिव चार्ज ही मेटल के ऊपर इन प्योर मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इसके आपका जीरो हैंड्स इन मेटलर्जी रिडक्शन ऑफ मेटल इज नेसेसरी स्टेप ठीक है ना और ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन मेटलर्जी को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं जो आपको पता भी होगा पायरो मेटलर्जी हाइड्रोमेटलर्जी और कौन सी बेटर इलेक्ट्रोमेटलर्जी है ना पायरो का मतलब ही होता है तो ये हमारे पास तीन टाइप्स की मेटलर्जी है पायरो मेटेलर्जी में थर्मल ट्रीटमेंट मतलब हीट का यूज होता है बेटा हाइड्रोमेटेलर्जी नाम से ही इसमें एक्वस सोल्यूशन का यूज होगा यूज ऑफ एक्वस सोल्यूशन एक्वस केमिस्ट्री लिख दिया उन्होंने इलेक्ट्रोमेटेलर्जी नाम में ही है इसमें इलेक्ट्रोलिस कॉन्सेप्ट का यूज होगा तो उन्होंने यूज़ ऑफ क्या लिख दिया बेटा इलेक्ट्रोल्स अब उन्हीं को मैंने जस्ट एक्सप्लेन कर दिया है हाइड्रोमेटेलर्जी इट इन्वॉल्वस रिडक्शन ऑफ मेटल इन एक्वस मीडियम ठीक है ना बाय मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल दिस प्रोसेस इज यूज फॉर लिस रिएक्टिव मेटल्स मेजरली एजी एंड लो ग्रेड ओवर ऑफ किसके लिए बेटा कॉपर एंड मर्क्री ये याद रखना जरूरी है क्योंकि ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है हमसे मेटल सेविंग है ना अब आप बोलोगे सर देखो है ना इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि दिस चैप्टर इज़ इनिशियली इनिशियली थोड़ा सा समझने का है बेटा बट फाइनली ये हमें एक एक चीज़ याद होना कंपलसरी है बेटा और भले आपको कितना ही कन्फ्यूज़न क्यों ना हो अगर आप दो तीन बार ईमानदारी से मेरे समझने के बाद इसे पढ़ोगे तो बड़ी आसानी से याद हो जाता है बेटा ना कन्फ्यूज़न रहता है शुरू में पहली बार पढ़ने पर और यार इतनी सारी चीज़ें आ गई तो हमसे क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं हाइड्रोमेटलर्जी किन किन के लिए यूज़ कर सकते हैं ठीक है ना तो ये हमें पता होना चाहिए सिल्वर के लिए गोल्ड के लिए मेजरली तो हम इन्हीं दोनों के लिए यूज़ करते हैं बेटा सिल्वर गोल्ड के लिए हमारे काम के जो आगे बट थे ना लो ग्रेड ऑफ कॉपर भी कर सकते हो बेटा और मर्करी के लिए भी और पीटी के लिए मेटल सेविंग रिएक्टिविटी ग्रेटर देन एच प्लस कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय क्या आपका थे ना हाइड्रो मेटलर्जी ठीक चले अभी बेटा पायरो मेटलर्जी ऑब्वियसली इसमें हीट का यूज होगा इफ हीटिंग इफेक्ट इज इन्वॉल्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट दैन इट इज नेम्ड एज पायरो और कहाँ कहाँ पर पायरो यूज होती है वो सब मैंने बता दिया जिंक में क्रोमियम एफ़ी मैगनीज एस एन पी बी सी यू एच ठीक अगर हम अपने काम की बात करें बेटा हमारे सिलेबस जो मेरे मेटेलॉर्जी से इन्वॉल्व है ट्रिपल ए मैंने बता ही दिया है इसके अलावा एफ़ी की पी बी की एसन की कॉपर की ठीक है ना मर्क्यूरी की ठीक है ये हो होगी कितनी बेटा आठ आपकी और इसके अलावा आप सोडियम और मैग्नीशियम को भी शामिल कर सकते हो दस बट ज़्यादातर तो ठीक ना और इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट या थोड़ी सी टिपिकल बोल दें बेटा ठीक थी ना ठीक है रिएक्शन वाइज मैंने बता दिया था ट्रिपल ए की रिएक्शन थोड़ी सी टिपिकल हैं बाकी अदरवाइज थोड़ी सी बड़ी मेटेलर्जी की बात करें बेटा तो एफ ई की और कॉपर की और एल्यूमिनियम की ये बड़ी वाली मेटलर्जी बाकी सब बिल्कुल कॉमन स्टेप से चलती है ठीक है अब इनमें जैसे यहाँ पर जिंक की भी हाँ थोड़े जिंक भूल गया मैं ग्यारहवीं मेटल जिंक भी बोल सकते हैं अब इनमें से अगर मैं बोलूँ इंपॉर्टेंट बेटा तो हमारे सिलेबस में जिंक है एफ ही है बेटा मैंगनीज भी उतना इम्पॉर्टेंट नहीं SN है एस एन है कैसेटेराइट पी बी है सी यू है और एच ए जी है एच जी तो यहाँ से आप देख सकते हो मैंने सिक्स के ऊपर सर्कल बनाया है पिछले वाले में हमारे पास इंपॉर्टेंट मैंने बोल ही दिया था ए जी और ए यू है ये हो गई आठ आपकी बेटा अब दो इसमें शामिल है आपका सोडियम और मैग्नीशियम इलेक्ट्रोमेटलर्जी में क्या बोल रहा है बेटा वैन इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल देन इट इज़ नेम्ड एज इलेक्ट्रोमेटलर्जी ठीक है इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस सो इट इज लास्ट ऑप्शन फॉर द रिडक्शन ठीक है इलेक्ट्रोलिस करवाना उतना आसान नहीं है बेटा हाईली रिएक्टिव एस ब्लॉफ मेटल एंड एल्युमिनियम कांड भी रिड्यूज इन एक्वास मीडियम यह आपको इलेक्ट्रो केमिस्ट्री में भी पता पड़ता है बेटा ठीक है. है ना वहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल पूरा न्यूमेरिकली समझाया जाता है ठीक है एंड बाय एनी रियडेंट बिकॉज कंपाउंड विथ रियडेंट है ना हैंस दे आर रिड्यूज इन मोल्टन स्टेट बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन सोडियम को हमें कभी भी ऑप्टेन करना है बेटा तो हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन एन जिसे हम लोग डाउंस प्रोसेस बोलते हैं मैग्नीशियम को हमें कभी भी ऑप्टेन करना है बेटा तो हमें इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन एम जी करवाना पड़ता है और एल्यूमिनियम ऑप्टेन करना है बेटा तो हमें इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन एल्युमिनियम जिसमें हमें क्रायोलाइट भी डालना पड़ता है फ्लोर्सफार सी भी डालना पड़ता है बेटा जिसे हम लोग हॉल हेरो प्रोसेस बोलते हैं ठीक है ना तो ये सब हमें पता होना चाहिए बेटा ठीक है तो आप देख लीजिए बाकी तीन एल्यूमिनियम बचा आठ ये हो गई बेटा और तीन नीचे आ गई सोडियम मैग्नीशियम और आपका एल्यूमिनियम तो ग्यारह मैंने बोला है ठीक है